नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार ने किसानों को दिया है दिवाली का गिफ्ट, खाद पे अब जारी रहेगी सब्सिडी, अब पुराने रेट पर ही मिलेगा यूरिया। किसानों के लिए अच्छी खबर, दरअसल सरकार ने रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दिया। इससे देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इससे सरकारी खजाने पर 22,303 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई फर्टिलाइजर की कीमतों का प्रभाव जो है भारतीय किसानों पर नहीं पड़ेगा। रबी सीजन 2023-24 के लिए NBS फिक्स करने के प्रस्ताव को इसमें मंजूरी यहाँ पर दी गई है। वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद कहा है कि NBS पॉलिसी के तहत फिक्स किए गए रेट रबी सीजन के लिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। आगामी रबी सीजन के लिए नाइट्रोट्रोजर पर प्रति किलो जो है 47 रुपए और 2 पैसे इसका रखा गया है, फास्फोरस पर 20 रुपए और 82 पैसे और पोटास पर 2 रुपए और 38 पैसे और सल्फर पर 1.89 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार 2021 से ही सब्सिडी की दरों पर दरें जो है इस पर प्रकार के निर्धारित यहाँ पर कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने से भारतीय किसानों को कोई इसके ऊपर असर ना हो। इस बार भी किसान जो है किसानों को यहाँ पर खाद रियायती दरों पर ही मिलता रहेगा। बाद हम कहते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी, देखिए उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर सब्सिडी को लेकर आया है नया अपडेट। उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन लेने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वालों को 903 रुपए में मिलने वाला गैस सिलेंडर अब सिर्फ 603 रुपए मिलेगा, लेकिन केंद्र की सुविधा का लाभ सिर्फ उन उज्ज्वला योजना को लाभार्थियों को मिलेगा जिन्होंने अपने बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक करवाया हुआ है। अगर आप भी किसी उज्ज्वला योजना के यहाँ पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है और आपने यहाँ पर बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो उसे ये सिलेंडर खरीदने पर सब्सिडी का फायदा जो है नहीं मिलेगा। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें यहाँ पर मंत्रिमंडल ने LPG कनेक्शन वाली सब्सिडी की राशि को 200 से बढ़ाकर 300 रुपए किया था। वह उत्तर प्रदेश में भी सरकार जो है दिवाली पर जो है उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को कुछ खबर दे सकती है। एक गैस सिलेंडर जो है दिवाली के मौके पर यूपी सरकार जो है वो दे सकती है। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तब सस्ते में मिलेंगे इलेक्ट्रिक वाहन, सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, दरअसल सरकार ने ईवी रेट को कम करने का प्लान जो है तैयार कर दिया। यही नहीं, बेकायदा उसका फॉर्मूला भी जनता के सामने पेश कर दिया। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन में सबसे ज्यादा कीमत जो है लिथियम से निर्मित बैटरी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लिथियम के स्थान पर अब जो है ईवी वाहनों में मेटल बैटरी का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। इससे वाहनों की कीमत जो है ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी, क्योंकि ईवी में सबसे ज्यादा महंगी जो है लिथियम की बैटरी ही है। अभी तक जो है आपने इलेक्ट्रिक वाहनों में जो है लिथियम की बैटरी के बारे में सुना होगा। अगर ऐसा हम कहें कि जल्दी यहाँ पर ईवी में यहाँ पर लिथियम की बजाय मेटल एयर बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके बाद जो है इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत पेट्रोल डीजल के वाहनों के बराबर हो जाएगी। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम सबसे बड़ा एनर्जी जो यहाँ पर प्रोवाइडर और महंगी यूनिट है। वही भारत में काफी बड़ी मात्रा में लिथियम का इम्पोर्ट यहाँ पर किया जाता है। आपको बता दें कि झारखंड और गुजरात में लिथियम की खदानें देखने को मिली है, लेकिन टेक्निकल इश्यू और महंगे होने की वजह से बैटरी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा महंगा हो सकता है। ऐसे में मेटल एयर बैटरी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तो CNG वाहन चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी सूचना, देखिए अब सर्टिफिकेट रखना होगा कंपलसरी। अगर आपकी गाड़ी CNG की है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले महीने नवंबर से सरकार बड़ा बदलाव कर सकती है। दरअसल बदलाव यह है कि अब आपको CNG किट का इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट जो है अब आपको यहाँ पर रखना जरूरी होगा। इसको कंपलसरी से यहाँ पर किया गया है, इसलिए अगर आपके पास भी ये सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्द से जल्द जो है अपन डीलर से संपर्क है। आपको बता दें कि अभी सरकार की तरफ से इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन रिपोर्ट है कि यहाँ पर सुरक्षा मापदंडों को देखते हुए इसके लिए नियम बनाया जा सकता है। आंकड़ों की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 30 से 35% गाड़ियां जो है CNG पर चलती है, उनमें से 10 से 15% ही यहाँ पर कंपनी फेटेड CNG है, बाकी सब मार्केट से लगाई हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ा भी खिलवाड़ जो है वो हो सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ये जो कदम जो है उठा सकती है, इसे कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग अभी भी यहाँ पर अंधाधुंध सेंटरों से जो है CNG किट लगवा लेते हैं।